इन्होंने साड़ी क्लॉथ मर्चेंट के जिन्हें दुकानदार भरावां दे स्टाफ दे और परिवार दे फ्री जिहड़े टेस्ट इत्थे अखां दे कीते गए कि फॉरन दे विच असीं इह देखदे आ इस दे विच सब तो घट खर्चे दे विच और देश दीआं सब तो वधीआ मशीनां दे नाल जिहड़ा इलाज हो रहा। डॉक्टर एस राजन हमेशा ही समाज सेवी कमां विच अपना वध चढ़ के योगदान पाउंदे रहिंदे ने जिस दे तहत हुण फगवाड़ा दे डॉक्टर राजन आई केयर हस्पताल विच द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन लई डॉक्टर एस राजन वल्लों एक वड्डा उपराला करदिआं द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन दे दुकानदारां उहनां दे स्टाफ अते परिवारां लई मुफ्त विच अखां दा चैकअप कैंप लगाया गया। इस मौके द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन वालों एक सम्मान समारोह रखा गया जिथे पहुंचे हुए डॉक्टरों नु सम्मानित किया गया। इस मौके एसोसिएशन प्रधान अशोक कुलथम ने डॉक्टर एस राजन का धन्यवाद करदिया कहा कि बहुत ही वड्डा ते नेक कदम चुकिया गया है। उन्हें मौके ते पहुंचे मैंबरां दा तह दिलों धन्यवाद किया। आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन फगवाड़ा की सारी टीम डॉक्टर राजन आई केयर ते पहुंची जिथे कि डॉक्टर साहब ने सानू इनवाइट किया। मैं बहुत धन्यवाद करदा डॉक्टर साहब का जिन्होंने क्लॉथ मर्चेंट लिए बहुत अच्छा एक उपराला शुरू किया। इन्होंने साड़ी क्लॉथ मर्चेंट के जिन्हें दुकानदार भरावां दे स्टाफ दे और परिवार दे फ्री जिहड़े टेस्ट इत्थे अखां दे कीते गए जिहदे विच कि जिदा अखां दा प्रैशर दिखना अखां दे विच कोई मोतिया जां कोई भी अखां दी जिहड़ियां बीमारियां आ उहदे बारे फ्री अज इन्होंने कैंप लगाया साड़ी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का जिस दे विच अज फगवाड़े दे SMO श्री कमल किशोर जी भी पहुंचे ने और गुराया तो डॉक्टर सोहन लाल जी भी इतने आए ने और साडे छोटे वीर किनरा जी रिंपी किनरा जी भी पहुंचे ने। मैं इन्हां सारे का अपने दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करदा जिन्होंने आके अच्छ साडी शोभा बधाई और उस तो बाद मैं बाकी भी अपने जिहड़े जिन्हें भी साडी क्लॉथ मर्चेंट के मैंबर बाकी जिहड़े रहिंदे आ जिन्हां दा अज नहीं चैकअप हो सकिया वो कल नूं जां परसों मैं कॉल करके इतने जरूर अपना चैकअप करा के जाण क्योंकि अखां दे नाल ही सब कुछ जहान दिखदा आ। जे आपां नूं इहदी कोई माड़ी मोटी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आ जे आपां स्टार्टिंग जब उहनूं देख लईए तां उह संभाल हो जांदी आ। कई बार आपां कॉल कर जांदे आ अखां नूं चैकअप नहीं कराउंदे सो इन्हां ने बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने उपराला शुरू किया। मैं सारी क्लॉथ मर्चेंट वल्लों कुलथम परिवार वल्लों डॉक्टर एस राजन जी का बहुत धन्यवाद करदा। इस दौरान समारोह का हिस्सा बनने लई पहुंचे SMO कमल किशोर सिविल हस्पताल ने द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का उन्हां नूं सम्मानित करन लई दिल दीआं गहराइयां तों धन्यवाद कीता। डॉक्टर कमल किशोर SMO सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन फगवाड़ा का मैं बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने कि इस मौके सम्मानित सानू किया क्योंकि जिस तरह की यही एप्रीसीएशन होंगी है लोग समाज सानू जिदा असं काम करते हैं गवर्नमेंट जिदा तो हेल्थ डिपार्टमेंट लोग एप्रीशिएट करते पे ने। मैं कोविड के इस जी डॉक्टर डे के उत्ते एक कोविड जी वैक्सीनेशन चल रही है सैंपलिंग चल रही है उसे अच्छा काम करने के लिए जो हमारा दी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने सानू सम्मानित किया मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता। उत्थे ही मौके ते पहुंचे रिंपी किनरा ने कहा कि एसोसिएशन हर समाजिक काम विच वध चढ़ के हिस्सा ले रही है। इस दौरान उन्हें डॉक्टर राजन वालों चुके गए नेक काम की शलाघा करदिया कहा कि राजन नाम ही एक मनुखता की सेवा करने वाले बंदे ते टुकता है सो डॉक्टर राजन अपने नाम अनुसार ही लोक भलाई का काम कर रहे ने। इत्थे फगवाड़ा दी एसोसिएशन ने रल के और हॉस्पिटल दे विच जिहड़ा अज सम्मान समारोह रखिया डॉक्टर साहब दे राजन आई केयर दे उत्ते और जिहड़ी फगवाड़ा ये व्यापार मंडल की एसोसीएशन जिहड़ी कपड़े की व्यापार जिहड़े आ सब तो सारे बंदे मेन दुकानदार ने फगवाड़ा दे जिहड़ियां शख्सियतां दुकानदारा दी शामिल होईयां और गुरु महाराज की इन्नी इन्हां ते बख्शिश है कि बहुत ही व्यापार वालों इन्होंने नाम देश विदेश दे खटिया पर उहदे नाल नाल ये जो समाज सेवा के काम कर रहे हैं टीकाकरण कैंप हर कैंप के विच ये एसोसीएशन वध चढ़ के हिस्सा लै रही है। इसे लड़ी के तहत इन्होंने अज डॉक्टर राजन आई केयर के उत्ते बहुत वड्डा एक उपराला किया जिहड़ा सम्मान समारोह का जिहदे विच बहुत ही वधिया शख्सियत डॉक्टर राजन जिन्हां नूं अज सम्मान दिता सही एक सही लफज जिहड़ा राजन का एक लफज जिहड़ा हैगा उस बंदे ते ढुकदा जिहड़ा मनुखता की सेवा लई आया और ये डॉक्टर राजन ही मनुखता की सेवा दे नाल जो काम कर रहे हैं अज पैसे दे नाल जो उन्होंने एड्डी वड्डी बिल्डिंग बनाई है लेकिन वह सिर्फ बिल्डिंग जिहड़ी उह शीशा दे नाल बनी है लोकां दीआं जिन्हां ने मानव दी सेवा करके और छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी की आशीर्वाद के नाल अज ये हॉस्पिटल की सब तो वड्डी बिल्डिंग भी बनाई है और ये हॉस्पिटल जिदा साडे अशोक कुलथम जी ने दस्सिया कि फॉरन दे विच असीं ये देखते हैं
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਔਰ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ SMO ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਹਰਦਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ IMA ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਕਲੋਥ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ IMA ਫਗਵਾੜਾ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਲੋਥ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IMA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ IMA ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.